हर हर शंकर, जय जय शंकर। रहते हैं, देखो कितनी कम जगह है, लेकिन फिर भी मंदिर तोड़ा तो नहीं है कम से कम। दुर्लभ चीज मिलेगा नहीं। श्री पुतलीबाई मंदिर, जिसे अभिमुक्तेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, इसे मूल विश्वनाथ मंदिर माना जाता था। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर स्थल पर मौजूद पुरालेखीय शिलालेखों के आधार पर 1850 ईस्वी का माना जाता है। पुतलियों की उत्कृष्ट नकाशीदार छवियों के कारण इसे लोकप्रिय रूप से पुतलीबाई मंदिर के नाम से जाना जाता था। वाराणसी को अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता था, और हिंदू परंपरा के अनुसार जो कोई भी यहाँ मरता है उसे मोक्ष मिलता था। प्राचीन हिंदू ग्रंथों और अनुदानों में अविमुक्तेश्वर मंदिर को बहुत महत्व दिया गया है, जिनमें से कई में यह कहा गया है कि अविमुक्तेश्वर लिंग के दर्शन मात्र से एक व्यक्ति अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अविमुक्तेश्वर शिवलिंग का उल्लेख लिंग पुराण, काशी खंड और ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी मिलता है। अविमुक्तेश्वर मंदिर मणिकर्णिका घाट के पास काशी विश्वनाथ मंदिर से कुछ ही दूरी पर था। विभिन्न संगीत वाद्य यंत्र बजाती हुई पुतलियां मंदिर की प्रदक्षिणा की दीवार पर मौजूद थीं। मंदिर तक उत्तर दिशा से मंडप के माध्यम से अंतराल के माध्यम से गर्भगृह तक पहुंचा जाता था। मंदिर की संरचना बहुत सरल और मुख्य अलंकरण खंभों और चौखट पर थी। अविमुक्तेश्वर मंदिर एक नागर शैली का मंदिर था, जो आयताकार योजना पर आधारित था और उत्तर दक्षिण दिशा में संरेखित था। चौकोर आकार का मंडप एक निचले चबूतरे पर खड़ा था और चारों तरफ से खुला था। मंडप की छत चार सुंदर नकाशीदार स्तंभों द्वारा समर्थित थी, प्रत्येक कोने में एक। हॉल के केंद्र में शिवजी के वाहन नंदी जी की एक छवि थी, जो गर्भगृह में लिंग के सामने थी। मंडप की छत और खंभे ऊंची उभरी हुई मूर्तियों से ढके हुए थे। मंडप के शीर्ष पर एक शेखरी प्रकार का शिखर था। पतला शिखर आकार में घुमावदार था और इसमें चार छोटे सहायक टावर थे, जो मुख्य शिखर के चारों ओर एकत्रित थे। मंदिर की भारी दीवार का भद्र प्रक्षेपण शिखर तक फैला हुआ था। पहली मंजिल के केंद्रीय प्रक्षेपण पर एक लघु मंदिर था, जिसमें दोनों तरफ परिचारकों के साथ पद्मासन में बैठे हुए एक देवता थे। मंडप की छत गुंबददार थी और इसमें गोपियों के साथ भगवान कृष्ण की नाजुक नकाशी की गई थी।
ऊंची उभरी हुई नकाशी कृष्ण लीला के दृश्य को दर्शाती थी। मंडप के चार स्तंभों को तीन मुख्य रजिस्ट्रों में विभाजित किया गया था, पीठ, स्तंभ और शीर्ष। स्तंभ के निचले भाग में सजावटी शिवलिंगों के साथ लघु मंदिर उकेरे गए थे। मंडप के आंतरिक भाग पर चित्रित आकृति एक भारवाहक की थी और एक बाहरी भाग में एक संगीत वाद्य यंत्र पकड़े हुए अप्सरा की थी। मंदिर में मंडप और गर्भगृह के बीच एक छोटा अंतराल या बरौठा था जो खुला था। गर्भगृह योजना में पंचरथ था और ऊंचाई में तीन मुख्य विभाग थे। गर्भगृह के ऊपर एक घुमावदार शिखर था जिसके सहायक शिखर थे जिन्हें उरह श्रृंग कहा जाता है, जो मुख्य शिखर के चारों ओर एकत्रित होते हैं। लालता के केंद्र में लालता बिंबा थे जो भगवान गणेश की एक छवि है। गर्भगृह एक छोटा कक्ष था जिसके अंदर मंदिर के मुख्य देवता भगवान शिव लिंग के रूप में विराजमान थे। इस मंदिर के चारों ओर की दीवार द्वारा निर्मित प्रदक्षिणा पथ का उत्तरी भाग था। इस मंदिर के दर्शन आप केवल इसी वीडियो में कर सकते हैं, क्योंकि 2022 में ये मंदिर केवीसी की भेंट चढ़ चुका है। मंदिर के महंत के पास स्थगन आदेश होने के बावजूद ठेकेदार ने मंदिर पर हथौड़े चलाए। और सब इसीलिए ताकि पर्यटकों के चलने के लिए रास्ता बन सके। जिस दुनिया में भगवान के घर के लिए जगह नहीं, उस दुनिया का अंत अब बहुत करीब है। जब तक ऐसा हो तब तक के लिए खुश रहिए और सदैव जपते रहिए हर हर महादेव।